एम्स्टी स्टैन सिर्फ 23 साल के हैं और इतनी कम उम्र में उन्होंने कमाई करोड़ों की है। उनके नेटवर्क की बात करें तो एम्स्टी स्टैन 50 लाख की संपत्ति के मालिक हैं। वे हर महीने अपने गानों और यूट्यूब व कॉन्सर्ट से लाखों रुपए कमाते हैं। गरीब परिवार में जन्मे एनवी को उनके घर वाले खूब ताने दिया करते थे क्योंकि गानों और रैप पर ज्यादा ध्यान देते थे। बिग बॉस 16 के विनर का ऐलान हो गया है। इस बार बिग बॉस की चमचमाती ट्रॉफी एम्स्टी स्टैन के नाम हुई। बिग बॉस के घर में सब ट्रॉफी की जंग लड़ रहे थे। उनमें से एक थे एम्स्टी स्टैन, जिन्होंने सबको पछाड़ते हुए ट्रॉफी अपने नाम कर ली और अब बिग बॉस 16 के विनर बन गए हैं। एम्स्टी स्टैन पहले से ही यंग जनरेशन के बीच अपने रैप सॉन्ग की वजह से मशहूर थे और अब वो विनर बनकर वाहवाही लूट रहे हैं। एम्स्टी स्टैन की बात करें तो उनका असली नाम अल्ताफ शेख है और वो पुणे के रहने वाले हैं। उन्होंने बेहद कम उम्र में गाना शुरू कर दिया था। यही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि एम्स्टी स्टैन मशहूर रैप रफ्तार के साथ भी गा चुके हैं। एम्स्टी स्टैन को उनके गाने बाटा के लिए सबसे ज्यादा नाम मिला। ये गाना इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि यंग जनरेशन के बीच में छा गया। इस सॉन्ग का यूट्यूब पर करीब 21 मिलियन व्यूज मिले हैं। एम्स्टी स्टैन ने आज जो मुकाम हासिल किया है उसके लिए उन्होंने दिलो जान से मेहनत की और उन्होंने अपनी इसी स्टाइल को गाने के जरिए बताना शुरू कर दिया और बस फिर क्या था, सफलता उनके कदम चूमने लगी। अपने गानों से लोगों का दिल जीतने वाले एमसी ने शो की जान बनकर इस शो को जीता है। बिग बॉस 16 सीजन के विनर एम्सी स्टैन बने हैं। फाइनल राउंड में उन्होंने शिव ठाकरे को मात दे दिया। शिव ठाकरे रनर अप की गद्दी पर विराजमान हुए। वहीं प्रियंका चाहर चौधरी पहले ही एलिमिनेट हो चुकी थी। और ज्यादा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।